सो so, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया अदरीजा ने एक शो खत्म हुआ और तुरंत दूसरे शो के साथ हाज़िर हो गई है अदरीजा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस थैंक यू सो मच थैंक यू सो पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए किस तरह से ये क्रैक हुआ है सो दिस वाज रियली वेरी अनएक्सपेक्टेड मतलब के लिस्ट में तो था ही नहीं uh, क्योंकि क्या होता है ऑफ कोर्स एक शो खत्म हो जाने के बाद हम लोग वेट करते हैं एंड देन आई एम वेरी वेरी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टच एंड आई एम वेरी ब्लेस दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेकेंडली जिस दिन मेरा इमली का मुझे पता चला कि इमली इज़ गोइंग ऑफ एयर सो ऑफ कोर्स सबको बहुत ख़राब लगता है मुझे भी खराब लगा था मतलब आई वॉज रियली वेरी सैड एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई डायरेक्टर सर से मैंने कहा कि सर मतलब दस महीने में नहीं ख़त्म होना चाहिए था लाइक like, इमली इज़ एन इमोशन टू बी स्टिल नाउ सो सर ने कहा कि जब भी कुछ uh, खत्म होता है तो नया कुछ शुरू होता है सो so, तो उसमें मैंने कहा कि हाँ सर ऑफकोर्स होगा लेकिन अभी होता ना कि आई भी चल रहा था सो so, कोई भी शो शुरू होगा तो आफ्टर आई पी एल देन देर आर मतलब लॉन्ग प्रोसेस बहुत टाइम लग जाता है ऐसा सो आई सेट कि ठीक है टी कल वेट एंड मैं घर से घूम के आ जाऊँगी मैंने ऐसे कहा बट एक होता है ना कि बॉन्डिंग बन जाती है सो so, जिस दिन मुझे पता चला कि इमली इज़ गोइंग ऑफ एयर उसी दिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी एंड दे आर ए फॉर दिस कि फॉर पल की एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ कुंडली भाग्या किस किस ने ना नाम सुना है ऐसा uh, है तो एंड माई आंटी माई फैमिली बहुत बड़े फैन हैं इस शो के सो so, uh, तो फिर ऐसा था कि जब जब मैंने फर्स्ट मैं अपने फैमिली से बात करी कि असी uh, ऐसा ऐसा हुआ है तो आई गोट आ कॉल इस शो के लिए सो वॉट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए तो मेरी आंटी वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ हाँ मतलब मैं तो बहुत सा, जब से शुरू है तब से देखती हूँ तो बहुत अच्छा होगा तो तुम कर सकती हो सो बिकॉज ऑफकोर्स दिस रिप्लेसमेंट कैरेक्टर वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड दटल बिट नर्वस कि क्या होगा ऑडियंस कैसे प्यार देंगे कैसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये होता ही है कोई भी कैरेक्टर इट्स नॉट अबाउट ओनली द लीड कोई भी कैरेक्टर जब कोई करता है या कर जो भी करते होंगे सो so वो जब चेंज होता है तो लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है एंड यहाँ पे एक नहीं मेरे दो दो हीरो हैं सो so, एक केमिस्ट्री ने मुझे दो दो केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी सो so, जिसके लिए प्रेशर तो है ऑफकोर्स बट मुझे किसी के साथ कोई कंपैरिजन में नहीं जाना है बस मैं अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करूंगी एंड uh, मैंने सभी एक ही बार में बोल दिया आपको क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया स्टोरी बता दी एंड uh, ऐसे ही तो इमली जिस दिन लास्ट uh, डेट मुझे पता चला कि लास्ट डेट मतलब इस दिन लास्ट शूट होने वाला है सो so, उसी उसके दो दिन पहले मेरा यहाँ पे मॉक शूट था एंड जिस दिन मेरा इमली का लास्ट डे शूट था उसके दो दिन बाद मैं कैलकाटा चली गई थी एंड कैलकाटा इज़ ऑलवेज़ वेरी लकी फॉर मी जैसे मैं कैलकटा जाती हूँ तो मुझे वहाँ मतलब जब तक मैं बॉम्बे में रहती हूँ शो खत्म हो, हो जाने के बाद uh, शोज की बातें होती रहती है लेकिन शोज कन्फर्म नहीं होते ऐसे ही मैं घर पे ऐसे एक बार एक जस्ट ऐसे ही मैं पैर रखती हूँ नेक्स्ट डे कॉल आता है कि हाँ तुम आ जाओ हो गया है so, सो ये भी ऐसे ही हुआ था कि शो हो जाने के बाद मैंने मॉक शूट किया था पारस के साथ एंड हो जाने के बाद मैं कैलकाटा चली गई थी फॉर टू डेज जिस दिन मैं गई उसके नेक्स्ट डे ही कॉल आया कि आई एम सेलेक्टेड फॉर देट एंड तुम आ जाओ नेक्स्ट डे लुक टे, लुक टेस्ट करेंगे सो so, दैन मैं नेक्स्ट डे की फ्लाइट लेके आ एंड एंड देन लुक टेस्ट दिस इज़ हाउ इट दो हीरो के साथ देखने वाले हैं जो कि स्टोरी जहाँ से अभी चल रही थी वो मदन कैरेक्टर नेम्स पे बाद में जाऊँगी मतलब आई मीन पारिस एंड बसीर दे बोथ अ फैंटेस्टिक अमेजिंग एंड आई एम वेरी लकी टू है ना कि कोई भी शो इट्स ऑन गोइंग शो ऑज इमली ऑल्सो लेकिन द थिंग इज कि इमली में ऐसा था कि सीजन थ्री न्यू कास्ट न्यू पीपल सब कुछ नया है लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ नहीं हूँ ऐसा था सीन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आ, कि बाकी सबके साथ तो सीन्स करूंगी लेकिन सबसे ज़्यादा सीन्स होंगे इन दोनों के साथ तो इन दोनों के साथ फ्रेंडशिप कैसी होगी आ, कैसे है वो दोनों तो ये थोड़ा सा था कि एक्सेप्ट वो लोग पहले तो एक्सेप्ट कर ले होता है ना कोई भी कैरेक्टर के लिए एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाने के लिए जितना भी होता है तो मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को भी मतलब पर्सनली uh, कभी हाँ तो ऐसे तो कोर्स मैंने देखा है लेकिन बातचीत कभी हुई नहीं थी सो बट पारस वॉज़ फर्स्ट टाइम मॉक शूट करने के बाद ही मुझे लगा कि पारस वॉज सो स्वीट लाइक मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उसके साथ uh, बट बसीर के साथ तब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी एंड देन uh, कल हुई है बाय द वे कल हुई है फर्स्ट डे जिस दिन मेरा शूट था उस दिन मेरा शूट होते होते भी नहीं हुआ कुछ क्योंकि मेरा एंट्री था तो सर ने कहा था कि कुछ अलग से टाइम लेके करना पड़ेगा तो वो लास्ट मोमेंट में नहीं हो पाता तो उस दिन शूट नहीं हो पाया लुक टेस्ट लुक टेस्ट लुक टेस्ट करके उस दिन मेरा पैकअप हो गया एंड द नेक्स्ट डे कल सो so आज मेरा सर, वैसे देखा थर्ड डे दे, और शूट वाइज सेकेंड डे आज मेरा सो कल्ड आई मेड बसीर एंड बसीर व ओ गॉड बसिर इज़ लाइक इज़ फायर जैसे कि होता है ना कि कोई बहुत स्वीट होता है और कोई एकदम फायर तो exactly, एग्जैक्टली ऐसा ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पे एंड मुझे मतलब मुझे तो दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगा एक होता है ना कि अभी सीन्स वैसे हुए नहीं हैं पारस के साथ आज ही एक सीन है मेरा एंड बसीर के साथ भी होगा तो आई थिंक की ऑडियंस लाइक एवरी वन वे लाइक या या अगर लुक की बात की जाए बिकॉज आपने देखा था इमली में किस तरह का आपका लुक रहा था यहाँ तो टोटली अपोज़िट लुक है प्लीज़ बताइए लुक में किस तरह से खेल लुक में तो बहुत कुछ किया है ये तो बस फॉर द इवेंट जो फंक्शन होने वाला है घर पे अभी शूज में हूँ मैंने जो वहाँ पे अलग से रखे हुए हैं सो so, ये नॉर्मल एक है अभी यहाँ पे पर्ल्स लगेंगे ये सब होंगे ज्वेलरी तो कुछ पहला नहीं है जस्ट नॉर्मल सो so, यहाँ पे एकदम मॉडर्न कैरेक्टर आजकल की लड़कियाँ जैसे होती है वैसे ही है सब कुछ एंड द थिंग इज कि मुझे सीन सीन के बीच में ये बहुत कॉन्श ियसली करना पड़ रहा है दैट इज कि मैं मेरा हम निकल रहा है मैंने बहुत मतलब बहुत सारे सीन्स मैंने कॉन्शियसली कि मैं ही बोलना है मुझे यहाँ पे तो आज एक छोटी सी जगह पे ऐसा था कि मैं मैं आ रही हूँ हाँ सो so, मैंने कह दिया कि हम आते हैं सो so, ऐसा सर कहा कि नहीं नहीं मैं मैं सर सो so, ये छोटी छोटी करेक्शन अभी यही हो क्योंकि एक होता है ना कि ऑलमोस्ट टेन मंथ्स आई वॉज डूइंग दैट शो एंड देन होते ना होते टच उड अगेन अन टच उड की बहुत अच्छी बात है आई एम वेरी ब्लेस्ड कि विद इन टू वीक्स आई स्टार्टेड दिस वन सो बट वही मुझे थोड़ा सा एक होता ना कैरेक्टर में कैरेक्टर uh, को अंदर uh, कैसे बता हुआ है क्या बोल रही हूँ मैं आई मीन वही हाँ मतलब एक कैरेक्टर कोई भी किसी और ऊपर से दिस इज नॉट अ न्यू कैरेक्टर मैं किसी मतलब मैं किसी की कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ तो वो भी ऑडियंस की दिल जीत चुकी है सो so, मुझे उसको बैलेंस करना है मुझे उसको uh, कितना मैं कर पाऊँगे आई हैव नो आइडिया बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट तो बट मुझे उसको एक होता है ना कि एक मार्क्स सेट हो चुका है तो उसको मुझे नीचे मैं नहीं कर सकती मुझे उसको इक्वली लेके जाना है सो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट बस यही इंट्रोडक्शन एक रहे वो किस नोट पर हो रहा है बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि एकता कपूर जब किसी भी नए कैरेक्टर को लाती है वो आ, प्लास्टिक सर्जरी हो जाए या उस वे में इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर आपको किस वे में इंट्रोड्यूस किया जाता है कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई है यहाँ पे इट्स नॉर्मल मैं मंदिर में पूजा कर रही थी तो पूजा करते करते जैसे ब्यूटी शॉर्ट्स होते हैं कि आँखें फिर ईयर रिंग्स ये वो ऐसे ऐसे करके ये हुआ एंड देन फिर मैं बच्चों को प्रसाद दे रही थी फिर मुझे श्रद्धा मैम ने बुलाया कि सॉरी सॉरी मतलब हाँ मतलब प्रीता जी ने ऑन स्क्रीन प्रीता जी एंड सो उन्हें उन्होंने मुझे बुलाया पलकी एंड देन आई टर्न एंड देन आई सेड कि यस मैं ही हूँ आपकी पलकी सो दैट इज़ हाउ दे इंट्रोड्यूस दैट एंड uh, बहुत सारे लुक्स में भी मैं नज़र आने वाली हूँ मतलब आजकल के जनरेशन के जैसे लुक्स होते हैं या इनफैक्ट अंद्रिज जैसी है इन रियल लाइफ कि जैसे मैं खुद ऐसे ही इधर ही ऐसे ही रखती हूँ बाल बाल ऐसे ही मैं रहती हूँ जब बाहर जाती हूँ घर पर नहींकोर्स नॉट सो हाँ उसके साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है एंड या सो देखते हैं कैसा होता है आई होप कि ऑडियंस को पसंद आए हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको पता है आपको क्या करना है आप इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी नाम तो आप सबको पता ही है सास बहू और पेटीएम